तेलंगाना में राहुल गांधी विजय भेरी यात्रा शुरू। भूपल पल्ली से पन्नूर गांव तक विजय भेरी यात्रा में शामिल हुए राहुल गांधी। राहुल के नेतृत्व में जयशंकर चौक से रवाना हुई यात्रा। विजय भेरी यात्रा के दौरान केसीआर पर बोले राहुल गांधी, कहा केसीआर चुनाव हारने वाले हैं, राजा और प्रजा के बीच लड़ाई है। आपके चीफ मिनिस्टर आपसे दूर दूर होते गए, दूर होते गए, दूर होते गए, राजा और प्रजा के बीच में लड़ाई है। केसीआर पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा, 10 साल हो गए आपके चीफ मिनिस्टर आपसे दूर हो गए, आप चाहते थे कि तेलंगाना की जनता तेलंगाना पर राज करे। और पता लगा 10 साल हो गए आपके चीफ मिनिस्टर आपसे दूर दूर होते गए, दूर होते गए, दूर होते गए। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र को देंगे बड़ी सौगात। 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का करेंगे शुभारंभ। 34 जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी शुरुआत। कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे प्रत्येक केंद्र। केंद्रों की स्थापना से युवाओं को रोजगार में मिलेगी प्रगति। 21 अक्टूबर को ग्वालियर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। करीब 2 घंटे तक सिंधिया के किले में रुकेंगे पीएम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का करेंगे शिलान्यास। स्कूल परिसर में विद्यार्थियों के नवाचारों की प्रदर्शनी देखेंगे पीएम। स्थापना दिवस पर अलग अलग क्षेत्रों में स्कूल का नाम रोशन करने वाले छात्रों को किया जाएगा सम्मानित। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह, जगदलपुर और कोंडा गांव में रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन रैली में होंगे शामिल। लालबाग मैदान में आयोजित जनसभा और नामांकन रैली में शामिल होंगे शाह। दोपहर बाद मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से जगदलपुर पहुंचेंगे शाह। शरद पवार के फिलिस्तीन वाले बयान पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा ने तंज कसा, कहा पवार अपनी बेटी सुप्रिया को हमास के लिए लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे। लास्ट क्वेश्चन सर, इसराइल को लेकर शरद पवार ने जो बात रखी है, मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। सीएम हिमंता शर्मा के बयान पर सुप्रिया सुले का पलटवार, कहा हिमंता शर्मा ओरिजिनल कांग्रेसी है और उनका और हमारा डीएनए सेम है। हम ये मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कल तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस का नमक खाया था, आज नमक का कारखाना बदल लिया है, लगता है वो भी आज जिस पार्टी में है वो हमास से कम नहीं है। हिमंता बिस्वा के बयान पर संजय राउत का पलटवार, कहा पहले बिस्वा ने कांग्रेस का नमक खाया था, आज कारखाना बदल दिए हैं और जिस पार्टी में हैं वो हमास से कम नहीं। जो है असम के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कल तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस का नमक खाया था, आज नमक का कारखाना बदल लिया है, लगता है वो भी आज जिस पार्टी में है वो हमास से कम नहीं है। राउत ने कहा असम के सीएम को पहले इतिहास पढ़ना और समझना चाहिए। फिलिस्तीन इसराइल के बारे में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की क्या भूमिका रही, पहले उन्हें जानना चाहिए। कल तेलंगाना में राहुल प्रियंका ने की चुनावी सभा, दोनों नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, राज्य में बीजेपी को बताया बीआरएस की बीटी। राहुल ने दावा किया कि राज्य में लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि केंद्र की बीजेपी और राज्य की बीआरएस सरकार के बीच सांठगांठ है। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस की वजह से तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। प्रियंका ने कहा सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारना हमारा उसूल रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पार्टी अध्यक्ष के तौर पर आज 1 साल पूरा। पिछले 24 सालों में खड़गे पहले गैर गांधी अध्यक्ष के तौर पर 1 साल पूरा कर रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ओडिशा और बीजेपी नेता इंद्र सैनी रेड्डी नल्लू त्रिपुरा के नए गवर्नर। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 53 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। कांग्रेस अब तक 83 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। यूपी में इंडिया गठबंधन के टूटने की आशंका, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दो टूक कहा, प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं तो फिर आगे भी नहीं होगा गठजोड़। ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को कोटा और अजमेर के दौरे पर रहे, पदाधिकारियों से मिलकर दिया जीत का मंत्र। 20 अक्टूबर को दूसरी लिस्ट जारी करेगी बीजेपी। हरियाणा के डिप्टी सीएम और जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला का आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरा। दुष्यंत आज और कल कोटपुतली, जयपुर और भरतपुर में करेंगे रोड शो, जनसभा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अलीगढ़ और हाथरस दौरा। अलीगढ़ को देंगे 480 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। हाथरस में महिला शक्ति वंदन कार्यक्रम को भी करेंगे संबोधित। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री यादव के साथ अपने पैतृक गांव फुलवरिया जाएंगे। लालू राबड़ी की बहू राजश्री पहली बार अपने वास्तविक ससुराल जाएंगे। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में यौन शोषण केस में फंसे बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर सुनवाई। पिछली सुनवाई में ब्रिजभूषण ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों को गलत ठहराया था। ईरान पर और भी प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट कर घोषणा की, बैलिस्टिक मिसाइल और यूएवी कार्यक्रमों पर लगाएगा प्रतिबंध। जापान के पीएम किशिदा ने अरब नेताओं से की बात, गाजा में मदद को लेकर सऊदी प्रिंस समेत कई अरब नेताओं से बात की। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक आज पहुंचेंगे इसराइल। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक बाइडेन के जाने के बाद उत्तरी और दक्षिणी इसराइल में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह। गाजा में अस्पताल में हमले पर पीएम मोदी ने जताया दुख, घायलों की जल्दी स्वस्थ होने की कामना के साथ ही हमले में मारे गए लोगों के प्रति शोक जाहिर किया। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 26 अक्टूबर को औपचारिक तौर से उद्घाटन होगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के मौके पर सीएम सावंत का खेलों के प्रति दिखा जुनून। इंडोर स्टेडियम में सीएम ने खेला बैडमिंटन। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, गोवा में आज वास्तव में राष्ट्रीय खेल शुरू हो रहा है, निश्चित रूप से ये खेल यादगार रहेगा। आज से लेकर 9 नवंबर तक गोवा में एक स्पोर्ट्स का कल्चर या स्पोर्ट्स इवेंट बहुत बड़े धूमधाम से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जितने सारे एथलेट्स आ रहे हैं वहाँ पे वन नेशन वन स्पिरिट, इसी गोल पे नेशनल गेम्स का थीम रहेगा। डेफिनेटली मैं फिर एक बार सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सीएम धामी भारत वापस लौटे। धामी उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने यूएई दौरे पर थे। गुजरात में किरण पटेल कांड के बाद पीएमओ के एक और फर्जी अधिकारी का मामला सामने आया। सीबीआई ने दर्ज किया केस, खुद को सीनियर अधिकारी बताकर डॉक्टर को धमका रहा था। गुजरात के वडोदरा में नकली पीएमओ अधिकारी बनकर धमका रहा था जालसाज। मयंक तिवारी नाम के ये शख्स खुद को पीएमओ में एडवाइजर बता अधिकारियों को करता था परेशान। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मयंक तिवारी को अरेस्ट किया। जालसाज मयंक तिवारी पर अधिकारियों को धमकाने का आरोप था। पीएम मोदी ने नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। एक्सपोस्ट में लिखा, नवरात्रि में आज ममता के प्रतीक देवी स्कंद माता की विशेष पूजा होती है। देवी माँ अपने सभी उपासकों को नवचेतना नव सृजन का आशीर्वाद दे। यही काम गुवाहाटी में नवरात्रि के पांचवें दिन भक्तों ने कामाख्या मंदिर में पूजा की। नवरात्रि में माँ के दर्शनों को दूर दूर से कामाख्या धाम पहुंच रहे श्रद्धालु। महाराष्ट्र में नवरात्रि के अवसर पर आज मुंबई के मुंबा मंदिर में विशेष आरती की गई। माता के दर्शन के लिए भक्तों की कतारें लगी। उत्तर प्रदेश के विख्यात विंध्याचल मंदिर में मां की विधि विधान से पूजा अर्चना। माता के दर्शन के लिए मिर्जापुर में दूर दूर तक से लोग यहां पहुंच रहे हैं। नवरात्र के पांचवें दिन छतरपुर मंदिर में माता के भजन कीर्तन का आयोजन। सुबह मां की आरती, बड़ी संख्या में दर्शन को उमड़े भक्त। नवरात्रि के पांचवें दिन झंडेवालान मंदिर में मां झंडेवालान की विधि विधान से पूजा अर्चना। माता के दर्शन को मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। गुजरात के राजकोट में महिलाओं ने किया साहसिक गरबा। माथे पर अग्नि लेकर गरबा करती दिखी माता की भक्त। सूरत में केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश ने खेला गरबा। सूरत जिमखाना में केंद्रीय मंत्री नवरात्रि आरती में भी शामिल हुए। सूरत में नवरात्रि उत्सव के अवसर पर सरसाना एसी डोम में गरबा नाइट का आयोजन। बड़ी संख्या में महिलाओं ने गरबा खेला। जम्मू कश्मीर में नवरात्रि के अवसर पर बजरंग बली की विशेष आराधना। हनुमान चालीसा आरती में शामिल हुए स्वामी गोविंद सरस्वती महाराज। इटावा में नए वाहन की पूजा के दौरान हुआ हादसा। अनियंत्रित वाहन की चपेट में आए 2 लोग, हादसे में 1 की मौत। हादसा उस वक्त हुआ जब नई पिकअप वाहन के नीचे नारियल का चढ़ावा चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, तभी वाहन पर ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और 2 लोगों की टक्कर हो गई। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसे में घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के कीर्तिनगर में एक फर्नीचर की दुकान में आग लगी। आग की ऊंची लपटों में घिरा फर्नीचर का शोरूम। AIU त्रिची ने 717 ग्राम सोना जब्त किया है। जब्त सोने की कीमत 42,91,000 रुपए।
सोने को कैप्सूल के जरिए मलाशय में छिपाकर लाया जा रहा था। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग ने एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया है। दिल्ली में अक्षरधाम के पास हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रिकॉर्डेड। अहमदाबाद में कंस्ट्रक्शन साइट पर चट्टान खिसकने से एक लड़की और एक मजदूर दबे, बच्चे की मौत, मजदूर की हालत गंभीर। प्रशासन के मुताबिक कंस्ट्रक्शन साइट में बेसमेंट पार्किंग का काम चल रहा था, अचानक मिट्टी का एक हिस्सा ढह गया और मजदूर दब गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कलेक्टर ऑफिस के सामने एक महिला द्वारा अपने परिवार के सदस्यों की किडनी बेचने का मामला सामने आया। महिला ने स्थानीय साहूकार से लिया था 2 लाख रुपए कर्ज। साहूकार ब्याज के लिए महिला के पति के साथ कर रहा था मारपीट। अहमदाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ट्रक से 7,459 शराब की बोतलें, इसके साथ ही एक आरोपी गिरफ्तार। बिहार पुलिस की राइफल ने दिया धोखा, 11 राइफल में से 9 राइफल से नहीं हुआ फायर। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू कार्यभार संभालते ही भारत के खिलाफ उन्होंने तल्ख टिप्पणी की, कहा एक हफ्ते के भीतर भारतीय सेना को कर दूंगा बाहर। फ्रांस में बुधवार को बम धमाके की धमकी के बाद खाली कराए गए 4 एयरपोर्ट, सुरक्षा जांच के लिए टुलूस, नीस, ल्यूस सहित 4 हवाई अड्डे खाली कराए गए। सिंगापुर से बेंगलुरु आ रहे इंडिगो की फ्लाइट को यू टर्न लेकर फिर जाना पड़ा सिंगापुर। एयरलाइंस कर्मचारियों ने बेंगलुरु से सिंगापुर गए यात्रियों का सामान निकालना ही भूल गए थे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पीएमएलएन के अध्यक्ष नवाज शरीफ के स्वदेश लौटने से दायर हुई याचिका। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का 4th मैच, बांग्लादेश के साथ होगा टीम इंडिया का मुकाबला। जीत की हैट्रिक लगा चुकी टीम इंडिया, जारी रखना चाहेगी अपना विजयी रन। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने दर्ज की लगातार 4th जीत। बुधवार को न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रनों से हरा दिया। 289 रनों के लक्ष्य के जवाब में अफगान की टीम मात्र 139 रनों पर सिमट गई। न्यूजीलैंड की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने कतर कप्तान टॉम थॉमस 68 रनों की पारी खेलते नजर आए। गेंदबाजी में फ्यूजन और सेंटनर ने 3-3 विकेट लिए। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने आईसीसी से भारत की शिकायत करने पर पीसीबी को दिखाया आईना। एक्सपर्ट पोस्ट कर लिखा, दूसरों में कमी देखने से ज्यादा जरूरी अपनी गलती को सुधारना है। आईओसी ने अपने 141वें सत्र में 8 नए सदस्य बनाए। नए सदस्यों में 4 महिलाएं शामिल हैं। ऑस्कर विजेता मलेशिया एक्ट्रेस मिशेल योपी सदस्य बनी। भारतीय एथलीट दूती चंद ने समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी न मिलने पर जताया दुख।